एक कुर्सी को बनाने के लिए काफ़ी सारे मेहनत किए जाते हैं। चलिए आइए एक कुर्सी के बात करते हैं। बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरतें पड़ते हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये आप देख रहे हैं जो कि कुर्सी का सिलाई हो रहा है। फिर उसमें स्टिकर लगाए जाते हैं ताकि ब्रांड पता चल सके। फिर इसे अच्छी तरीके से सरिया दिए जाते हैं, अटैच कर दिए जाते हैं और इस मशीन के नीचे से कुर्सी आते हैं। चलिए मैं देखता हूँ, कुछ देर वेट किए तो आ गया कुर्सी। अब इसे फिर से सिलाई किया जाता है और ये मशीन इतना बड़ा है और ये डाई लगा हुआ रहता है कुर्सी का शेप का, और ये इसका कंप्यूटर सिस्टम जिससे कि यह मशीन कंट्रोल में आता है, और यह कचड़े जो कि कुर्सी का छिला हुआ भाग है। और इस सीढ़ी के मदद से कुर्सी को बनाने के लिए जिस मसाला का उपयोग किया जाता है उसे इसे इसमें डाल दिया जाता है। फिर ये देख सकते हैं कितना बड़ा और कितना भारी वजन का मशीन होता है, कितना वजन होता है इसका कि कुर्सी का एक इसका बोल्ट के बराबर भी नहीं होता है कुर्सी का वजन। ये इतना ऐसा हल होता है। फिर इसे कुर्सी को ढक दिया जाता है, टेप लगाकर पन्नी से ढक दिए जाते हैं। इस तरीका का कुर्सी तैयार हो जाता है। चलिए मैं मिक्सर की बात करता हूँ। मसाला को कैसे बनाया जाता है कुर्सी को बनाने के लिए, चलिए मैं मसाले की ओर चलता हूँ। तो यहाँ पे पाउडर है, कुछ कलर्स हैं जिससे कि कुर्सियाँ कलरफुल दिख सके। ये है मशीन, इस मशीन में कलर्स डाल डालकर कुर्सी का मसाला तैयार किया जाता है। उसके बाद फिर ये तैयार होता है एक कुर्सी जिस पर कि आप बैठकर मज़े से वीडियोज़ मेरे देख रहे होंगे। चलिए लाइक।